नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु फिर एक लाजवाब वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं। और आज हमारे पास गाड़ी है टाटा पंच, टाटा मोटर्स हिसार के अंदर हम खड़े हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज टाटा मोटर्स वालों से ही जानेंगे कि टाटा पंच आखिरकार क्यों लेनी चाहिए। आज हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि क्या मतलब ये जो इसके अराइवल्स हैं, इसके पहली बात तो अराइवल्स हैं नहीं, और जो सब फॉर्मीटर में भी बहुत से लोग हैं जो इसके कस्टमर्स हैं इसको देखने आते हैं, और ये अपने अराइवल से अलग कैसे होती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी के बारे में आज हम टाटा मोटर्स से हमारे साथ सुनील भारद्वाज जी हैं, उनसे जानेंगे। आज हमारे सामने टाटा से सुनील भारद्वाज जी हैं, सीनियर सेल्स ऑफिसर हैं, और सर से जानेंगे टाटा पंच के बारे में, खूबियाँ कमियाँ और आखिरकार क्यों लें। सर नमस्कार, आपका चैनल पे एक बार दोबारा स्वागत है। नमस्कार हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद टाटा में विजिट करने के लिए। सर आप ये बताइए कि ये भी हमारे सामने कौन सा मॉडल खड़ा है टाटा पंच का? हिमांशु जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टाटा पंच का ना क्रिएटिव आयरा मॉडल है, सिंगल टोन में टॉप मॉडल है। सर ये टॉप मॉडल है तो ये कितने लाख रुपए का ऑन रोड लगभग पड़ जाता है सर? ये जी टाटा पंच का ये टॉप मॉडल आपको 10 लाख रुपए के करीब ऑन रोड पड़ता है। तो सर आप ये बताइए, जैसे 10 लाख रुपए की ये गाड़ी है टाटा पंच, मतलब देखो थोड़ी कंजेस्टेड भी है, 10 लाख रुपए में सर अभी अराइवल्स बहुत से इसके हैं, इससे बड़े भी हैं मतलब, तो 10 लाख में सर इसको क्यों लेगा कस्टमर, आप ये बताइए सर। हिमांशु जी आपने कहा कि 10 लाख रुपए में बहुत से इसके साथ ऑप्शन मिल रहे हैं कस्टमर को जी, तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आप इसको अगर मान लो 10 लाख में आपको वेन्यू भी मिल जाती है, हमारी टाटा की नेक्सन भी मिल जाती है, टाटा की एल्ट्रोज भी मिल जाती है, टाटा पंच भी आ रही है, किया सोनेट भी आ रही है, बट मैं आपको बताऊँगा जो टाटा पंच के 10 लाख रुपये की कीमत में जो फीचर्स आपको मिल रहे हैं उनकी अपेक्षा आपको उसमें वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प की, तो 10 लाख रुपए के सेगमेंट में अगर मैं अलॉय व्हील की बात करूँ, जैसे टाटा मोटर 60 इंच का अलॉय व्हील दे रही है क्रिएटिव के टॉप मॉडल में, आपको 10 लाख रुपए की रेंज में अगर गाड़ी में अलॉय व्हील नहीं मिलता, ऐसे बहुत से फीचर हैं। जिस तरह मैं गाड़ी की बैक की बात करूँ तो 10 लाख रुपए की रेंज में आपको डी फोकर वाइपर मिलना इम्पॉसिबल सा हो जाता है कस्टमर। सर आप मुझे बस एक महत्वपूर्ण आंसर मेरे को ये दे दीजिए इस क्वेश्चन का कि कस्टमर इस गाड़ी को क्यों ले, बस ये बता दीजिए सर। मैं आपको महसूस जी बताना चाहूँगा, टाटा पंच का मार्केट में अपना एक अलग ही क्रेज है, जैसे कि ये माइक्रो एसयूवी है जी, ठीक है जी, जो कस्टमर एसयूवी की तरफ जाना चाहता है तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है टाटा पंच जी, क्योंकि जो कस्टमर 10 लाख रुपए में चाह रहा है मुझे सभी फीचर्स मिल गए, तो इस सेगमेंट में 10 लाख रुपए की रेंज में उसको सभी फीचर्स मिल पाना बहुत मुश्किल है। आप टाटा पंच के क्रिएटिव मॉडल में कस्टमर को एटलीस्ट सभी फीचर्स मिल जाते हैं, बेसिक से लेके हायर मॉडल तक, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ, कस्टमर चाहता है क्या गाड़ी में फॉग लैंप है, वो टाटा पंच में आपको 10 लाख में मिल रहा है, अलॉयज है वो मिल रहा है, उसको चाहिए टच स्क्रीन भी चाहिए, एक अच्छा ब्रांड चाहिए, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो टाटा मोटर हरमन का दे रही है इसके अंदर, उसको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी चाहिए, वो भी इसमें इंस्टॉल है। इवन आप ये देखे 10 लाख रुपए के बजट में टाटा मोटर आपको क्रूज कंट्रोल भी अवेलेबल करवा रही है, जो कि कस्टमर के लिए एक सरप्राइजिंग फीचर्स है। सर एक क्वेश्चन और बताइए, देखो इसके अराइवल्स की बात छोड़ो, आप टाटा मोटर्स में ही बात करते हैं, टाटा नेक्सॉन में मतलब हमें टर्बो चार्ज 1.2 इंजन मिल जाता है और 1.2 ये नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, तो सर 10 लाख में तो हम टाटा नेक्सॉन भी ले सकते हैं, 10 लाख में ये क्यों लेंगे सर? आपकी बात जायज है, जिसको एक मिनी एसयूवी चाहिए जी वो टाटा नेक्सॉन की तरफ जा सकता है, जो उसके सिमिलर प्रोडक्ट है उनकी तरफ भी जा सकता है। अब आपका जो सवाल है कि हम इसको क्यों लें, जिसको पावर परफॉर्मेंस गाड़ी चाहिए, जिसको चाहिए, अब देखो टर्बो चार्ज का मतलब कस्टमर को एक्स्ट्रा पावर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें आपका ना माइलेज लैग होता है। जैसे अगर आप टाटा नेक्सॉन से अगर पंच से कंपेयर करेंगे तो टाटा मोटर ARI की जो माइलेज है 17.6 की माइलेज है नेक्सॉन की, अच्छा, जो टर्बो चार्जर के साथ आती है, 120 BHP का पावर मिलता है, टाटा पंच में 1286 पावर के साथ मिल रहा है, जो कि आपको 19.6 का माइलेज क्लेम करता है, ठीक है। अगर कस्टमर को अच्छा माइलेज चाहिए तो टाटा पंच की तरफ जाना चाहिए, उसको 19.6 के एमपीएल का माइलेज मिल रहा है। दूसरी बात, क्रैश टेस्ट में टाटा मोटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, आप नेक्सॉन को देख लीजिए, फर्स्ट इन 1-3 सेगमेंट में क्रैश टेस्ट में 5-स्टार रेटिंग थी, भारत की सबसे पहली 5-स्टार रेटिंग कार रही है। अब मैं टाटा पंच की बात करूँ, जैसे आप बात कर रहे हैं कि 10 लाख में वो कस्टमर को हायर प्रोडक्ट मिल रहा है, आप ये देखिए टाटा पंच ने क्रैश टेस्ट रेटिंग में सबसे ज़्यादा पॉइंट अर्न किए हैं इक्वल टू नेक्सॉन जी सर। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि टाटा पंच ने अल्ट्रोज और टियागो की सेल में बहुत बड़ा अंतर लेके आई है, आप क्या कहते हैं सर इस बात का? हिमांशु जी मैं आपको बताना चाहूँगा, टाटा पंच का एक अलग प्लेटफॉर्म है,
ठीक है। अगर मैं अल्ट्रोज की बात करूँ तो अल्ट्रोज एक प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में आती है अल्ट्रोज, ये माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आती है। अल्ट्रोज का बायर बिल्कुल अलग है, अल्ट्रोज का जो बायर है वो कंपेयर करता है 20 से, बलिनो से, ठीक है ना सर। तो इसका जो इस सेगमेंट का जो बायर है इसकी लुक को इम्प्रेसिव लुक को देख कर आता है टाटा मोटर्स। टियागो, टियागो एक हैचबैक गाड़ी है जो अपने सेगमेंट में देखो लीडर है, मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। टियागो भी क्रेस्टस में फोर स्टार रेटिंग है, बट टियागो की सेल को और अल्ट्रोज की सेल को और पंच की सेल से मैच करना, वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट है और डिफरेंट डिफरेंट उनका प्लेटफॉर्म है, वो इनको कहीं भी बीट नहीं करती। ठीक है, उतरना बैठना काफी ईजी हो जाता है। ठीक है, आप इसका रियर डोर भी देखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री पेपर ओपन होता है, ये देखा पूरा डोर खुलता है जी, इससे की एंट्री स्मार्ट हो जाती है जी। एक खास बात और है आपको मैं बताना चाहूंगा, मोस्टली गाड़ी में ना बीच में आपको ना एक डिवाइडर मिलता है जी, जो कि आपके ना लेग मार्जिन को कहीं ना कहीं डब करता है, कि जो बीच वाला जो पैसेंजर बैठता है तो थोड़ा सा पैर को फैला के बैठता है, तो इसमें आपको वो भी नहीं मिलेगा, पूरा फ्लैट है, जिसकी वजह से ना कस्टमर को तीनों को बैठना बड़ा कम्फर्ट हो जाता है जी। और हेडरूम माशाल्लाह है पंच का, हेडरूम के मामले में पंच में किसी भी, जैसे आपका एक बीच में क्वेश्चन था कि 6 फीट का आदमी है, तो पंच में किसी भी लेंथी आदमी को बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, हेडरूम पूरा है पंच का जी। सर अगर मान लो आपको टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी लेनी हो, मान लो 7-8 लाख के बजट में, और आपके पास 7-8 लाख बजट है, तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे सर? टियागो लेंगे, अल्ट्रोज लेंगे या पंच लेंगे सर? क्योंकि सारी ही 4 और 5 स्टार है, 7-8 लाख रुपए के बजट में आपको टियागो भी मिल जाती है, पंच भी मिल जाती है, अल्ट्रोज भी मिल जाती है। अगर मेरे पास 8 लाख रुपए का बजट है तो मैं नेचुरली पंच की तरफ जाना चाहूंगा। क्यों सर? तीनों ही गाड़ी में अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, इंजन सेम है, पावर परफॉर्मेंस सेम, ठीक है जी। 8 लाख रुपए में एक तो मुझे एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी मिल जाती है, जो कि इन दोनों ही स्केल से अपग्रेड स्केल जी, ठीक है जी। और पंच क्रेस्टस में 5 स्टार रेटिंग है जी। अगर देखो सेफ्टी बड़ा मैटर करता है फैमिली के लिए, एक आम कस्टमर के लिए, क्योंकि देखो जब वो गाड़ी में चलता है तो अपने साथ 2 लोग 4 लोग, अगर आप फैमिली ट्रिप पे है तो पूरी परिवार साथ लेके चलता है, तो मैं सेफ्टी को देखो बड़ा प्रेफर करता हूँ, तो मैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, ग्राउंड क्लियरेंस को ध्यान में रखते हुए, माइलेज को ध्यान में रखते हुए मैं टाटा पंच की तरफ जाना चाहूंगा। 8 लाख रुपये मुझे जो फीचर्स उसमें मिल रहे हैं मेरे लिए सफिशिएंट। सर अब इसके मतलब इंटीरियर की बात करते हैं, इंटीरियर में बताइए सर ऐसे क्या क्या खास फीचर्स हैं? सर इंटीरियर की बात करें हिमांशु जी, जी जैसे कि जो बेस्ट इन वन है सेगमेंट में, हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम है जी, जो आपको कंपनी 7 इंच का टच स्क्रीन दे रही है जी, इसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार्ड प्ले, वॉइस कमांड कंट्रोल, एसी टेम्परेचर कंट्रोल, सभी चीज़ें मेंशन करता है, जो कि काफ़ी बेटर है। और इसमें आपको ऑटो एसी मिल जाता है हिमांशु जी, जी ठीक है, 7 इंच का डिजिटल स्क्रीन मिल जाता है, MID स्क्रीन मिल जाता है इसमें आपको जी, ठीक है सर। आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, आप अपने बड़े इजिली वॉल्यूम को प्लस माइनस कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू फोन कनेक्ट करके हैंड फ्री बात कर सकते हो, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है हिमांशु जी इसमें आपको, आप अपना हाईवे पे अपनी स्पीड को सेट करके कंफर्ट फील कर सकते हो, अच्छा माइलेज परफॉर्म कर सकते हो। सर एक क्वेश्चन ये बताइए कि कस्टमर का रिव्यू क्या आता है जब टाटा पंच, जैसे आप तो बहुत सेल करी होंगी अभी तक आपने, तो रिव्यूज क्या है टाटा पंच को लेके कस्टमर्स के? टाटा पंच का अगर आप पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे तो सभी कस्टमर सेटिस्फाई है टाटा पंच से। मैंने जितने भी कस्टमर्स को गाड़ी दी है, मुझे अभी तक किसी तरह का कोई कंप्लेन कस्टमर से नहीं आया है, जैसे चाहे माइलेज को लेके हो, चाहे परफॉर्मेंस को लेके हो, क्योंकि जो इस सेगमेंट का बायर है एक मिडिल सेगमेंट का बायर है, मिड साइज फैमिली का बायर है, जो कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा उनको वो चीज़ें चाहिए वो मिल रहा है, बहुत खुश है मतलब, हाँ सेटिस्फाई है। तो ये एक छोटा सा मतलब टाटा पंच का कंपैरिजन था टाटा मोटर्स की खुद की अराइवल्स के साथ भी और दूसरी अराइवल्स के साथ भी। तो सुनील सर ने बहुत अच्छे से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल पे आने के लिए और अपना समय देने के लिए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हिमांशु जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें प्रोडक्ट, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स को आप यूट्यूब चैनल के अपने माध्यम से प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो कुछ इस तरीके का लाजवाब इंटरव्यू था आज टाटा पंच के साथ हमारा। तो हमने जाना टाटा पंच अपने अराइवल से, यहाँ खासकर कि अपनी कंपनी की गाड़ियों से अलग क्यों बनती है टाटा पंच, और इतने कम पैसों के अंदर इतने बेहतरीन फीचर देने वाली कंपनी टाटा क्यों आगे के लिए लाती है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, जय हिंद।